हाय दोस्तों, नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, देख सकते हैं आज राधिका पहली बार बड़े दिन के बाद कैमरे के सामने आई हैं पहली बार। और इस समय विष्णु राज के बुराई मतलब सच्चाई पोल खोल रही है सच्चाई का। तो देख सकते हैं कितने कितने वो रिकॉर्डिंग की हुई बातें सुना रही हैं मीडिया वालों को। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि ये राधिका पहले तो विष्णु से इतना प्यार करती थी और अफेयर था इसका विष्णु राज के साथ, और आप देखिए उसके साथ उसका ही पोल खोल रही है और जितने भी सारी सच्चाई है वो उगल रही है। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। ओके दोस्तों, देखो, हम भी अभी जा रहे हैं वही गाड़ी लेत के, और हम लोग आते हैं, जरूर आएंगे, हम भी समझते हैं। लेकिन जो भी उनका गाना है, किसी भी तरह इतना मेहनत करके भगाना है कि मिलियन पार तो होना ही हो, किसी भी तरह उनका हम करेंगे, ताकि पता चले कि इंसान नहीं है, फिर भी आज वो लोग उसे देखें सुने। हम भी बहुत प्रयास करेंगे भैया, और अभी जा रहे हैं मैं चरपहिया वही लेने जो लड़ गया था, हो सकता है आज अगर मिल जाएगा तो ऐसे ही आएंगे, नहीं तो फिर दोपहिया से आएंगे। तो आपने उनके ऊपर विश्वास करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन नहीं। आप लोगों को उन्होंने धोखा दिया। हाँ, हम लोग को धोखा, बहुत बड़ा धोखा दिया। एक माँ को धोखा दिया, एक बहन को, एक भाई को, सबको धोखा दिया। विष्णु भैया नहीं दिए। तो अभी आप क्या चाहती हैं? हम क्या चाहते हैं, विष्णु भैया वादा किए कि हम सूरत दीवाना का गाना पूरे मिलियन तक पहुंचाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर नहीं पहुंचा पाए तो कुत्ता के पेशाब से अपना मोच मुड़वा देंगे। विष्णु राज के ऊपर आरोप लगा है कि मालती चौहान की शादी उन्होंने अर्जुन के साथ करवाई। इसी के साथ एक और आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है, उनका क्या नाम है जी? सूरत दीवाना। सूरज दीवाना, उनको मारने में सूरत दीवाना ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। और इनका आरोप है कि सूरज दीवाना विष्णु राज के चलते अपनी जान दी है। अब उन्होंने क्यों ऐसा किया, हम इन्हें से जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, मेरा भाई सूरज दीवाना बहुत ही गरीब परिवार से था। उसका सपना था कि हम गाना गाएंगे और स्टार बनेंगे, ताकि अपने माँ बाप का सपना पूरा करेंगे। अपने माँ को बड़े बड़े कार में बैठाएंगे, घुमाएंगे। उसकी माँ अपने बेटे को जो भी मतलब पैसे कौड़ी मिलती थी गाना गाने के लिए दे देती थी। एक बार विष्णु राज ने ऑफर किया कि 10,999 रुपया में हम आप लोगों को 22 गाना 22 वीडियो देंगे। तो हम लोग भी कहें ठीक है, जहां हम लोग 1500 एक म्यूजिक का दे रहे हैं, 2000 वीडियो का दे रहे हैं, उससे अच्छा हम लोग 10,999 रुपये में 22 गाना 22 वीडियो पाएंगे। हम लोग इसी वजह से विष्णु राज पे भरोसा किया और गाना पैसा जमा कर दिया। लेकिन विष्णु राज ने हमारा ना ही एक गाना दिए, ना ही एक गाना वीडियो दिए। ऐसे ऐसे समय भी बीत गया, 2-4 महीना बचा। तो हम लोग सोचे ठीक है, अब गाना तो मिलेगा नहीं। तो हम लोग बोले भैया हमारा एग्रीमेंट से हट जाए रहे, हमारा पैसा वह दे दीजिए। पैसा भी नहीं दिए, सूरज रोज मांग रहा था, पैसा नहीं दिए। पैसा तो एकदम मतलब कोई भी गरीब परिवार अगर अपने बच्चे को, आप देखते होंगे गरीब घर में, जिस घर में मतलब खाने के लिए नहीं रहेगा, उस गरीब परिवार अपने बच्चे को पता नहीं कहाँ से गाना गाने के लिए दे दिया। मतलब वो भी सुदही पैसा निकाल के, 10,999 रुपया उसकी माँ दी सुदही पैसा। अभी भी सूद बढ़ रहा होगा मतलब। तो उसकी माँ दे दी कि हमारे बच्चे का सपना पूरा होगा, हमारा बच्चा भी एक दिन स्टार बनेगा। लेकिन नहीं, विष्णु भैया एक गाना नहीं दिए, ना ही मतलब वीडियो दिए। इसी वजह से वो सूरज दीवाना अपने आप को ही खत्म कर लिया। आप कह रही हैं कि आपके भाई हैं सूरज दीवाना? हाँ, भाई। मुंह बोले भाई हैं, मुंह बोले भाई, मुंह बोले भाई। देखिए, खून से बड़ा दिल का रिश्ता होता है। अगर हम किसी को सच्चे दिल से अपना भाई मान लें, बहन मान लें, तो हो जाता है। लेकिन जो घर का रिश्ता होता है, माँ बाप का, वो जबरदस्ती का रिश्ता होता है। लेकिन जो दिल का रिश्ता होता है, हम लोग चुनते हैं। तो ऐसे सूरज दीवाना हमको भी अपनी बड़ी बहन मानता था। आप विष्णु राज के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि उनकी वजह से सूरज दीवाना ने अपनी जान दे दी। हाँ, दे दिए, हाँ दे दिए, विष्णु भैया की वजह से सूरज भाई ने हमारा जान दे दिया। कितना दिन हुआ? कम से कम भैया आज हो गया होगा 9 महीना, नहीं 8 महीना हो गया होगा। तो आपको जब ऐसा लगा कि
विष्णु राज की वजह से सूरत दीवाना ने अपनी जान दी है, तो विष्णु राज के खिलाफ आपने कुछ कार्रवाई करवाई थी? देखिए भैया, हम लोग वहाँ उनके स्टूडियो में गए, विष्णु भैया वादा किए कि हम सूरत दीवाना का गाना पूरे मिलियन तक पहुँचाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, अगर नहीं पहुँचा पाए तो कुत्ता के पेशाब से अपना मोच मुड़वा देंगे। तो हम लोग भरोसे की वजह से, जो इंसान इस दुनिया में नहीं हो सकता है, पब्लिक उसकी गाना उसकी आवाज़ सुने तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगा। लेकिन नहीं, विष्णु भैया ऐसा कुछ भी नहीं किए, हमने अपना खुद ही 10,999 रुपया विष्णु भैया को दे दिया कि हमें नहीं चाहिए एक भी गाना एक भी वीडियो, इस माँ के बेटी की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचाइए, लेकिन नहीं दिए। तो आपने उनके ऊपर विश्वास करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं। लेकिन आप लोगों को उन्होंने धोखा दिया? हाँ, हम लोग को धोखा, बहुत बड़ा धोखा दिया, एक माँ को धोखा दिया, एक बहन को, एक भाई को, सबको धोखा दिया, विष्णु भैया नहीं दिए। तो अभी आप क्या चाहती हैं? हम क्या चाहते हैं, जो मतलब देख रही हैं आप लोग, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ खुद ही बुरा हो जाता है। आज विष्णु भैया की ये हालत है, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं विष्णु भैया है। अच्छा, ये जो मामला चल रहा है इनका, अर्जुन का और उनकी बीवी का, उनका तीनों लोग को, हम तो यही बताएंगे आप सबसे, एक माँ का बद्दुआ है, एक माँ का बद्दुआ है, जो उनके स्टूडियो पे जाके रातों दिन रो रही थी, उसका बद्दुआ है। अच्छा, मतलब वो रो रही थी जाके इस गाने के लिए कि आप उनका गाना वायरल कर दीजिए, चला दीजिए। तो क्या उन्होंने गाना किसी चैनल पे नहीं चलाया? विष्णु राज अकाउंट नंबर लिए, माता जी अकाउंट नंबर दीजिए, हम आपके बेटे को गाना भी देंगे, गाना भी चलाएंगे, पूरा वायरल करवाएंगे और आपको पैसा भी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए विष्णु राज। देखिए, आपने बहुत बड़ा उनके ऊपर आरोप लगाया है, विष्णु राज के ऊपर, जबकि विष्णु राज जी कहते हैं कि हमारे पास जो आता हम उसकी मदद करते हैं, उसको कहां से कहां पहुंचा देते हैं। अब देखिए, आप लोग के सामने है, कोई मंगाइए विष्णु राज के ऊपर मतलब चैनल से हमारा गाना, कोई गाना आया है? 10,999 रुपये हम जमा किए हैं, सूरत दीवाना किए हैं, कोई आया हमारा गाना? बताइए आप लोग, सुनिए आप लोग, देखिए। आप भी गाना ही गाती हैं? हाँ, हम गाना गाते हैं, लेकिन अब एक मतलब एक्टर हैं, मूवी में काम करते हैं, दो मूवी की हैं, अभी बड़े पर्दे की हमारी मूवी रिलीज होने वाली है बहुत जल्द, दिनेश लाल के भतीजे मुन्ना लाल यादव के साथ हीरोइन का रोल किए हैं, महेश सिंह जी के साथ हीरोइन का रोल किए हैं, तीसरी मूवी हमारी रितेश पांडे जी के साथ है, मतलब हमारी और भी साइन है सूरज सम्राट को लेकर के, विशाल सिंह को। देखिए, आपने कहा कि इस मामले को लेकर 7-8 महीने हो गए हैं तकरीबन, तो आप अभी तक चुप थी, कुछ नहीं की, कहीं ऐसा मामला तो नहीं है कि आप उनको बदनाम करना चाहती हैं? हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते भैया, ना ही हम झूठ बोलते हैं, ना ही हमें झूठ से कोई डर लगता है किसी बात में बोलने से। देखिए, हमारा कोई सुना नहीं, क्योंकि उस वक्त मतलब जब वो ये बात हुई थी, विष्णु राज पे हम लोग भरोसा किए थे और विश्वास किए थे कि विष्णु भैया हो सकता है उस माँ का मदद करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप लोग देख सकते हैं, 18 तारीख को हम रघुपुर में जाएंगे, वहाँ पूरे गांव के लोग रोएंगे सूरज के नाम पे। सूरज हर साल दौरा उठाता था अपनी बहन का, तीन चट भूखती थी उसकी दीदी, हर फल लाता था, हर कपड़े लाता था, सब कुछ वही करता था, लेकिन अब कोई नहीं है, वो लोग हमको अपना सूरज मानते हैं। तो सूरज भाई जब नहीं है इस दुनिया में, तो हम जाएंगे आप